हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की चीज बनाई है हम पोहे की पकौड़ियाँ, जो बनाना बहुत ही आसान होती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पकौड़ी के लिए हम सबसे पहले लेंगे दही। दही को हमने फेट करके लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पोहा। पोहे को मैंने धोकर रखा है और एक कटोरी पोहा है ये। इसके अकॉर्डिंग ही हम पकौड़ियाँ तैयार करेंगे। तो ये एक कटोरी पोहा है, इसके साथ मैंने कुछ वेजेस भी कट किए हैं। अब पोहे को हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से इसमें सोक कर ले दही को। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 10 से 15 मिनट के इसको छोड़ देंगे। दही को पानी में ऐड करने के बाद मैं इसको ढककर रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। पोहे को भीगे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे तो देखिए पूरा ही पानी ऑब्जर्व कर लिया था, दही भी सारा ऑब्जर्व कर लिया कितना टाइट हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, जो कि शायद मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने एक कटोरी उबला हुआ आलू घिस लिया है और इसको हम पूरा ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही इसमें डालेंगे अब हम गाजर, तो और गाजर के साथ डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके साथ ही हम डाल देंगे प्याज। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, ताकि हमारी पकौड़ी की बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसमें वेजीज भी मैंने ऐड की हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम 1 बड़े चम्मच चावल का आटा, ताकि इससे हमारी पकौड़ियाँ थोड़ी क्रिस्पी बने। 1.5 चम्मच करीब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने बैटर तैयार कर लिया है और गैस पर रख दिया है मैंने कढ़ाई को। इसमें डाल दिया है तेल और गैस का फ्लेम हाई रखा था मैंने पहले, और बाद में मैंने इसको कर दिया स्लो टू मीडियम। अब सारा बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, अच्छे से हमारे पूरी बाइंडिंग हो चुकी है। तो मैं इसमें डालने शुरू कर दूंगी पकौड़ियाँ, और ये पहले बैच में मैं डालूंगी कम से कम 8 से 10 पकौड़ियाँ, जो कि पूरी कढ़ाई में फुल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमको पकौड़ियाँ तैयार करनी है। पकौड़ी को एक साइड से पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको पलट पलट कर लेंगे, क्योंकि नीचे से जल नहीं जाए ये भी हमें चेक करते रहना है। और उसके बाद ही हम इसको पकने के बाद इसको कर लेंगे हम प्लेट में। हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में, और ये पहले बैच की पकौड़ियाँ हैं सारी। इसी तरह से मैं दूसरे बैच भी तैयार करूँगी पकौड़ियों का, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा बैटर तैयार किया है इसलिए। और अभी सेकंड बैच है, सेकंड बैच की पकौड़ियाँ भी देखिए किस तरह से मैं उलट पलट कर रही हूँ। इसी तरह से मैं हमेशा पकौड़ियाँ बनाती हूँ नीचे का तेल पकौड़ी के ऊपर डाल के, ताकि उसका जो भी बैटर है वो एकदम सेट हो जाए आसानी से। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, सेकंड टाइम में भी चेंज होने लगा है कलर इसका, और हम 2 मिनट बाद इसको भी निकाल लेंगे। सारी पकौड़ियाँ बनकर हो गई हैं रेडी, और देखिए हमने इसके साथ रखी है रेड सॉस। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा शाम के नाश्ते में। आजकल सर्दी में बहुत अच्छी लगती हैं पकौड़ियाँ, और साथ में ये चाय गरम गरम। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।